नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और दोस्तों, आज हम एक बार फिर हाजिर हैं आप लोगों के लिए एक और महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बबूल के फ़ायदों के बारे में। दोस्तों, बबूल एक ऐसा वृक्ष होता है, एक ऐसी चीज़ होती है जिसके ऐसे ऐसे फ़ायदे होते हैं, और किन किन सूरतों में इसको यूज़ किया जा सकता है इसके बारे में अधिक लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। तो अगर आप बबूल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, सारी जानकारी चाह रहे हैं, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दोस्तों, बबूल का पेड़ ऊसर क्षेत्रों में बहुत आयत मात्रा में पाया जाता है। यह एक कटीला वृक्ष होता है। इसकी पत्तियाँ दिखने में आंवले की पत्तियों जैसी होती है। इसके फूल दिखने में गोल और हल्के पीले रंग के होते हैं। बबूल के पेड़ से एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे बबूल का गोंद या गुद भी कहा जा सकता है। दोस्तों, बबूल भारत में हरियाणा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान तथा इलाहाबाद के कई गांवों में पाया जाता है। बबूल की टहनियाँ दातुन करने के काम में आती है। यह जलन को दूर करता है तथा पित्त और वात का नाश करता है। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण उपयोगों के बारे में कि आखिर किन किन सूरतों में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर अगर आप लोग दिन में कम से कम 3 बार लेने से, या बबूल की ताजी पत्तियों को सफ़ेद और काले जीरे के साथ पीसकर लगभग 10 ग्राम दिन में 3 बार लेने से आपका डायरिया ठीक हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बबूल की पत्तियों को पीसकर अगर आप लोग चोट लगने पर, जलने का जहाँ घाव हो रहा है वहाँ पर लगाते हैं, तो यह दाग बनने से आपके रोकेगा और इस चीज़ से आपको निजात दिलाएगा। बबूल की ताजी छाल रोज़ चबाने से यह दांतों को मजबूत करता है, साथ ही मसूड़ों से खून आने की समस्या से भी आपको निजात दिलाता है। बबूल की छाल को पानी में उबालकर कुल्ला करने से मुंह के छालों और सांस की बदबू से छुटकारा मिल जाता है। बबूल का पेड़ बहुत से त्वचा विकारों जैसे एलर्जी, खुजली या अन्य फैलने वाले रोगों का भी इलाज है। 14 ग्राम बबूल की और आम की छाल को 1 लीटर पानी में उबालकर प्रभावित भाग पर भाप लगाएं। उसके बाद भाप लिए हिस्से पर घी का लेप लगाएं। आपको जरूर आराम मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, आँख आने पर रात को सोते वक्त बबूल की पत्तियों पीस कर लगा लें और सुबह साफ कपड़े से बांध लें। सुबह आपको आराम मिल जाएगा। अगर आँखों से पानी निकल आता है तो करीब 250 ग्राम बबूल की ताजी पत्तियों को साफ पानी में तब तक आपको उबालना है जब तक कि पानी 1/4 तक ना रह जाए, और रोज़ सुबह इस पानी से अपनी पलकों को धो लेना है। दोस्तों, बबूल की पत्तियों को पानी में उबालकर दिन में 2 से 3 बार पीने से खांसी तथा सीने की जलन में आपको काफ़ी आराम मिलेगा। बबूल की गोंद को अगर आप मुंह में रखकर चूसते हैं तो उससे भी आपकी खांसी में काफ़ी आराम मिलेगा। बबूल की छाल का काढ़ा बनाकर पीने से श्वेत प्रदर रोग से भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और यह इस चीज़ में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। तो दोस्तों, ये थी बबूल के बारे में जानकारी, यह किस किस प्रकार आपको लाभ पहुंचा सकता है और किन किन सूरतों में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। स्टे हेल्दी। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद।